बीजेपी से निलंबित सांसद कीर्ति आजाद का अगला ठिकाना कहां होगा, मतलब वो किस पार्टी को अपना ठिकाना बनाएंगे, ये सवाल लगातार बना हुआ है। ऐसे में कीर्ति आजाद ने पटना में मीडिया से मुखातिब होते हुए इतना जरूर कहा कि उन्हें कई पार्टी से ऑफर मिल रहे हैं, लेकिन इस सिलसिले में वो खरमास के बाद फैसला लेंगे। कीर्ति आजाद दरभंगा से बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतकर सांसद बने थे, लेकिन उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया। पार्टी से निलंबन के बाद से ही आजाद को लेकर राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। फिलहाल उन्होंने खुद को लेकर लगाई जा रही अटकलों को जिंदा रखते हुए नीतीश कुमार और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कीर्ति आजाद ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार के शासनकाल में भ्रष्टाचारियों और अपराधियों का हौसला बढ़ा है। कीर्ति आजाद ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि विकास के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है। हालांकि उन्होंने ये तो माना कि जब नीतीश सरकार 2005 में आई थी तब राज्य विकास की तरफ अग्रसर था, लेकिन 2010 के बाद फिर स्थिति खराब हो गई। आजाद ने ऐलान किया कि वो इस सरकार के खात्मे के लिए राज्यव्यापी अभियान चलाएंगे। उन्होंने नीतीश कुमार पर मिथिला की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि मिथिला को लेकर राज्य सरकार का रवैया हमेशा ही नकारात्मक रहा है। ऐसे में बस इतना ही कहा जा सकता है कि कीर्ति आजाद ने भले ही ये न बताया हो कि वो आगामी लोकसभा चुनाव किस पार्टी से लड़ेंगे, पर केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की नीतीश सरकार को निशाने पर लेकर बहुत कुछ बता भी दिया है। NTI पॉकेट TV के लिए फैज आलम फैजी की रिपोर्ट। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।